हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो यार आज का इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस प्रकार से आप जो अपना बैंक SBI का ट्रांजेक्शन रिसिप्ट को निकाल सकते हैं, चाहे आपका 6 महीना का हो, 12 महीना का हो, या फिर डेट वाइज आप निकालना चाहते हैं कोई भी ट्रांजेक्शन, वो बहुत ही आसानी के साथ आप निकाल पाएंगे। वीडियो को जो है आप लोग पूरा देखिएगा, पूरा का पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि योनो एप्लीकेशन डाउनलोड कर उसमें रजिस्टर करना है। तो मैं ऑलरेडी इसको जो है मतलब डाउनलोड कर रजिस्टर किया हुआ हूँ। चलिए मैं अपना योनो एप्लीकेशन ओपन कर लेता हूँ। तो बिना योनो एप्लीकेशन के आप जो है बिल्कुल भी डाउनलोड नहीं कर पाएगा, अदरवाइज इसका साइट से आपको डाउनलोड करना होगा। तो मैं यहाँ पे अपना योनो एप्लीकेशन ओपन कर लिया हूँ। चलिए मैं इसमें लॉगिन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइनली जो है मैं अपना योनो SBI एप्लीकेशन में लॉगिन कर लिया हूँ। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे होम है, और होम में यहाँ पे आने के बाद क्या करना है कि अकाउंट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर आपको सिंपली क्लिक करके और आ जाना है। यहाँ पे आप लोग जैसे ही आएंगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से ब्रांच आपका मिल जाएगा, अकाउंट का लास्ट डिजिट मिल जाएगा। आपको इसी पे क्लिक करना है, और इस पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे कुछ इस प्रकार से आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब हमें ट्रांजेक्शन चाहिए तो ट्रांजेक्शन वाला सेक्शन में आना है बीच में, और ट्रांजेक्शन वाला सेक्शन में आप जैसे आएंगे तो यहाँ पे आपको डाउनलोड करने का ऑप्शन देखने मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका डिवाइस में ऑटोमेटिक डाउनलोड होकर सेव हो जाएगा, या फिर इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपका रजिस्टर ईमेल आईडी पे जो है आपका ये ट्रांजेक्शन जाएगा। लेकिन यहाँ से अगर आप डाउनलोड करते हैं या फिर क्लिक करते हैं तो आपका जो है लास्ट 10 ही ट्रांजेक्शन आपको मिलता है या फिर डाउनलोड होता है। तो अगर आप जो है और ज़्यादा ट्रांजेक्शन को यहाँ पे डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, ये फिल्टर का ऑप्शन देखने मिल रहा है, इस पर आपको सिंपली क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे लास्ट ट्रांजेक्शन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ पे आप लोग क्लिक करेंगे तो जैसे मैं चाहता हूँ कि लास्ट 3 मंथ का ट्रांजेक्शन मिले, या फिर 6 मंथ का, या फिर डेट वाइज आप सिलेक्ट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे आप स्टार्टिंग डेट सेलेक्ट कीजिए कि कब से लेके कब तक आपको ट्रांजेक्शन चाहिए, तो वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। बाकी मैं अभी फिलहाल जो है जैसे मैं लास्ट 6 मंथ का मैं ट्रांजेक्शन अपना ही निकालना चाहता हूँ, तो लास्ट 6 मंथ को मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। इसको आप लोग जैसे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आप जो है अपना ट्रांजेक्शन को तो व्यू कर ही सकते हैं, लेकिन इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए सिंपली यार आपको इस पर क्लिक करना है, या फिर इस पर क्लिक करेंगे तो आपका ईमेल पे जो है PDF बनकर चला जाएगा। तो यहाँ पे मैं क्लिक किया, और क्लिक करने के बाद जो है मेरा डिवाइस में सक्सेसफुली जो है डाउनलोड हो चुका है, सेव हो चुका है। तो ये जो PDF अभी डाउनलोड हुआ वो जो है पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। तो इसका पासवर्ड क्या होता है कि आपका जो है DUP का फर्स्ट 4 अंक और आपका मोबाइल नंबर का लास्ट 4 अंक होता है। तो जैसे ही आप लोग DUP का फर्स्ट 4 अंक डालेंगे, उसके बाद एड्रेस लगाना है, उसके बाद जो है लास्ट मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट डालना है, उसके बाद आप ओपन करेंगे तो ओपन हो जाएगा। जैसे मेरा केस में मेरा DUP जो है 18 फरवरी है 2003 है, तो मैं यहाँ पे 18 02 डालूंगा और @ लगाऊंगा, उसके बाद मैं अपना मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट डालूंगा जो कि 4927 है। तो चलिए अभी मैं अपना जो है PDF ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आने के बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स में आऊँगा, और यहाँ पे आने के बाद जैसे यहाँ पे आप लोग देखते हैं डाउनलोड हो चुका है, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। और इस पर क्लिक करने के बाद जो है मैं यहाँ पे पासवर्ड अपना एंटर करता हूँ। जैसे मेरा DUP जो है 18 फरवरी था, तो मैं यहाँ पे 18 डालूंगा और 02 डालूंगा, उसके बाद @ लगाना है। @ जैसे आप लगाएंगे उसके बाद आपको जो है मोबाइल का लास्ट 4 डिजिट डालना है, जैसे मेरा 49 और 27 है। 4927 में एंटर किया, ओपन पे क्लिक करूंगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फाइनली जो है मेरा PDF ओपन हो चुका है कुछ इस प्रकार से। और आप चाहे तो यार अपना योनो एप्लीकेशन में ट्रांजेक्शन को व्यू भी कर सकते हैं वहीं से। जैसे कि मैं यहाँ पे लास्ट 6 मंथ सिलेक्ट किया हूँ, और लास्ट 6 मंथ का ट्रांजेक्शन यहाँ पे भी आपको देखने मिल जाएगा। डेट वगैरह सारा कुछ आप डिटेल देख सकते हैं, यहाँ से कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ आ जाएगा। तो कुछ इस प्रकार से यार आप ट्रांजेक्शन को व्यू कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं अपना योनो SBI एप्लीकेशन के मदद से। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।